आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क के बाहर निकलना लोगों को भारी पड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क या फेस कवर के पाया जाता है तो उससे अर्थदंड वसूला जाएगा। इसके साथ ही महामारी एक्ट में मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। सार्वजनिक स्थान पर बिना मास्क के बाहर निकलना लोगों को भारी पड़ सकता है। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क या फेस कवर के पाया जाता है तो उससे अर्थदंड वसूला जाएगा। इसके साथ ही महामारी एक्ट में मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। कोरोना वायरस से बचने के लिए भारत सरकार ने SMS यानी मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की गाइडलाइन जारी की है। आगरा के जिला प्रशासन ने इस गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने की तैयारी कर ली है। अब जो कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के बाहर निकलता है तो उसे अर्थदंड भुगतना होगा। पहली बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 100 रुपए और उससे अगली पकड़े जाने पर 500 रुपए अर्थदंड लगाया जाएगा। इसके साथ ही धारा 144 के उल्लंघन और महामारी एक्ट का मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। जनपद आगरा में पब्लिक स्पेस पे कोई भी बाहर जाएगा, मास्क पहले से ही लगाया जाना अनिवार्य है, बट अब इसको सख्ती से पालन कराया जाएगा। जो लोग पहली बार पकड़े जाएंगे उनको 100 रुपए और इसके बाद 500 रुपए लिया जाएगा। जहाँ तक धारा 144 लगी हुई है, अगर रिपीटेड केस आते हैं तो उनके खिलाफ 188 IPC में मुकदमा दर्ज हो सकता है। अतः रिक्वेस्ट है लोगों से कि जब भी बाहर निकले मास्क जरूर लगा के चलें। जिला प्रशासन ने मास्क का प्रयोग कराने के लिए सख्ती बरतने की तैयारी कर ली है। अब पुलिस यातायात नियमों के साथ ही सड़कों पर मास्क की चेकिंग भी करेगी। मास्क नहीं लगाने वाले का चालान काटा जाएगा, जिसके लिए चालान रसीद भी तैयार की जा रही है। विजय बघेल, सी न्यूज आगरा।